यहाँ पे अचार, ये आपका भाई खाएगा। और रात को ना हम लोग मतलब तेजी रफ्तार से चल रहा है ट्रेन। प्रणाम, नमस्कार दोस्तों। नमस्ते, हम आपको दीदी बोले। हाँ, ये लगता है गुजरात जाने के लिए लेके आए हैं। फैमिली जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं हूं विकास। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं बीमू मिश्रा। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल विकास बिमला ब्लॉग्स पर। बिमला विकास ब्लॉग्स पर, हाँ वही। तो दोस्तों अभी हम लोग, आपको पता है हमारे ब्लॉग में देखे ही होंगे कि हम कहीं पर सफर पे हैं, तो हमको बहुत भूख लग चुका है। आपको पता है घर वाले ब्लॉग में देखे होंगे, स्वाति रा सिस्टर ने बहुत ही प्यार से कुछ बनाकर हमको दिए हैं, तो उसको ओपन करते हैं, खाते हैं और बने रहे आप लोग इस ब्लॉग में। हम कहाँ जाते हैं उनसे भी हम आपको इसी ब्लॉग में दिखाएंगे, और स्वाति सिस ने क्या क्या हमको बना के दिए वो भी आप लोग को दिखाते हैं। और एक चीज कहना चाहते हैं दोस्तों, हम बहुत मिस करते हैं अपने दोस्त को, मिथुन भाई को और काजल भाभी को, अमर भाई को, आकांक्षा भाभी को, क्योंकि हम लोग साथ में मतलब सफर किए थे ना। हाँ, अभी ट्रेन में बैठे तो याद आ गया। हाँ, अभी बैठे हैं तो देखिए खाना भी लाए हैं, तो उनके साथ खाए थे तो अभी बहुत याद आ रहे हैं उनके। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, वी मिस यू अलॉट्स। हेलो, आप देख रहे हैं तो लव यू, मिस यू अलॉट्स। बताइए क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, इतना सारा चीज है जो स्वाति सिस ने हमको बना के दिए। तो इसमें देखिए ये पराठा, और ये सुहाना के लिए ड्रीम लाइट बिस्किट, इसमें है नमक, काला नमक एक्स्ट्रा मतलब, और यहाँ पे अचार। वाह, अचार भी दिए है। भुजिया, अचार दिए है लेकिन हम नहीं खाएंगे अभी, क्योंकि आप खाइएगा। और अचार पैक भी कर दिए है, मतलब अचार चिप्स वगैरह, तो घर जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे कि मतलब क्या क्या पैक करके दिए है। और यहाँ पे ये बिरयानी, वो सोयाबीन बिरयानी, भेज बिरयानी, और इसमें है चिप्स, चिप्स आपके लिए, आपके लिए ये है, ये भी ले लीजिए। सुहाना, सुहाना, ए सुहाना, कैसा है बताओ। हाँ, और आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, और आपका टेस्ट हुआ, ये आपका भाई खाएगा, बहुत टेस्टी, हैंडमेड, हेल्दी भी और टेस्टी भी बहुत ज्यादा। हम लोगों ने जो है नाश्ता कर लिए है और काफी टेस्टी बना था ना, बहुत ज्यादा स्वाति रा सिस्टर, काफी टेस्टी नाश्ता और बिरयानी बनाई हुई थी ना। हाँ, बहुत ज्यादा टेस्टी, तो हम लोग ने खा लिए है, सोना भी खाए, हम सारे लोग खाए। अब थोड़ा और सो लेते हैं हम लोग ना, सो जाते हैं क्योंकि आज शाम 4 बजे तक हम पहुँचेंगे गोरखपुर, फिर वहाँ से बस बढ़ के खल्लाबाद भी जाना है। और रात को ना हम लोग मतलब काफी रात तक बातें किए थे, तो इसलिए भी मतलब सोना जरूरी है। हाँ, अब फाइनली बता देते हम किन के पास जा रहे हैं। हम जा रहे हैं विष्णु भैया और मालती भाभी जी के पास। उन्होंने कहा हुआ था कि 4 तारीख को ही आप लोग आइएगा किसी भी तरह, क्योंकि 6 तारीख को जो है टिकट है, और लगातार अगर करेंगे ट्रैवल तो तबीयत खराब हो सकती है, तो एक दिन रेस्ट कर दीजिएगा हमारे यहाँ, फिर हम साथ में चलेंगे वहाँ गुजरात। हाँ, बोले चलिए अभी ठीक रहेगा, लेकिन जब ट्रेन का टिकट करवा लेंगे तो टिकट नहीं मिला वहाँ से जयनगर से, तब हम यहाँ दरभंगा से कराए, या तो 3 का हो रहा था या फिर 5 का हो रहा था, तो हम दरभंगा से कराए। और यहाँ पे भी फुल चल रहा था, सीट ही नहीं मिल रहा था, जनरल में फैमिली के साथ जरा अच्छा भी नहीं होता है, और बीमू का तबीयत भी ट्रैवल में बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, वैसे भी अभी भी खराब ही है। हाँ, थोड़ा बहुत दवा खा ही रहे। तो हम 3rd AC का चेक किए टिकट, तो नहीं मिला, तो फिर हम जाके 2nd AC मिले, मजबूरन हमको ये 2nd AC लेना पड़ा, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो गया, क्या करें, लेकिन क्या करें ना, जाना है तो जाना है, इसलिए आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि मतलब क्यों जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग सोने के लिए सारे कुछ मिला रहे हैं, तो आप लोग हम दिखाते हैं कि क्या क्या चीज यहाँ पे हम लोगों को मिला है, ठीक है। यहाँ पे सुहाना के पापा बिस्तर लगा रहे हैं, ट्रेन के तरफ से हमको मिला है ताना होगा, एक टावल है, हाँ, मुंह हाथ पोंछने के लिए, ठीक है। पता नहीं, तकिया का खोल है। हाँ, तकिया का खोल लगा लीजिए। तो दोस्तों कुल मिला के ना मतलब बिछाने वाले है, और ये ओढ़ने वाले कम्बल है, तकिया है, टॉवेल है, मतलब सारे कुछ सुविधा यहाँ पे अच्छा है ना बाबू। हाँ। और अभी यहाँ पे सुहाना हम सारे लोग सोएंगे, बाकी ट्रेन अभी चल रहा है एकदम, तो बहुत ज्यादा मतलब तेजी रफ्तार से चल रहा है ट्रेन। ऊपर क्यों गिरेंगे? नहीं गिरेंगे बेटा, हमारा सीट ऊपर है तो जाना पड़ेगा ऊपर। हमारा सीट
नहीं ऊपर है, नीचे सिर्फ बैठने के लिए, हमारा सीट ना यहाँ पे ऊपर है। हम लोग अभी बिस्तर उस्तर लगा के सोएंगे, ठीक है? देख लिए, अब सो जाएंगे। शहर गए? हाँ। आप नहीं बिछाओगी? हाँ बिछाएंगे। बिछा लो, बहुत ज्यादा है, 1, 2, 3, 4 बहुत ज्यादा दिए हैं। ज्यादा थोड़ी ना दिए हैं, हर सीट के लिए एक एक। हाँ हमको लगता है ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है। और आप सुहाना और पापा ना? हाँ। मुझे अपना बिछाना बेड बना रही है सोने के लिए, तब से बोल रही थी कि हम ताना नहीं बिछाएंगे, अब बिछा लिए। सुहाना क्या देख रही हो आप? पानी? कहाँ पे पानी? पानी है वहाँ पे। कहीं पे पानी नहीं है तो? कल बारिश हुआ था ना। हाँ वहाँ पे। अच्छा, और इनको देखिए जब से हैंडबैग मिली है तब से बार बार देखे जा रही है, खोले जा रही है ना, हम वायर रखे थे चार्जर का। अच्छा, हम सब समझ रहे हैं आपका एक्साइटमेंट लेवल। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सुहाना। आप मम्मी के पास सोओगे या पापा के पास? पापा के। तो इस साइड आ जाओ, इस साइड। ठीक है, जब तक हम जगह है इधर बैठो, इधर बीच में आ जाओ। हाँ इधर बैठो। हाँ गुड सुहाना, आप सो के उठ गई? हाँ। तो क्या कह रही थी आप हमको अभी? तो हम क्या करें? कहाँ चले? वॉशरूम। हाँ? आपके मम्मी को बोलो ना। नहीं, मम्मी तो सो रही है। मम्मी सो रही है? हाँ। उठा मम्मी को। मम्मी मत उठाओ, मत उठाओ। मत उठाओ, चलो हम आपको ले चलते हैं। हाँ चलो, चलो उठाओ। हाँ अच्छे से खोलो, अच्छे से, अच्छे से। हाँ रुको रुको रुको, आपसे नहीं खोलेगा, रुको रुको रुको। चलो अंदर 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 ढक लो। हाँ ए बेटा दौड़ो मत। मिला? यही पे है। आना आप सो जाओ, ओढ़ के सो जाओ, ओढ़ लो अच्छे से ओढ़ लो। हाँ हम जाते हैं। हाँ हम जाते हैं, बाहर जाते हैं, हम उतर जाते हैं ट्रेन से। हाँ हमको नहीं जाना, ठीक है? मम्मी जाएंगे तो डरने लगेंगे। आपको डर लगेंगे? नहीं, आपको मम्मी उठेंगे ना तो आप बताना पापा चले गए, ठीक है? नहीं मम्मी रोने लगेंगे। मम्मी रोने लगेंगे। दोस्तों माफी चाहते हैं कि आज आप लोगों को वीडियो लेट से देखने को मिला होगा, क्योंकि ट्रेन में है हम लोग और वीडियो अपलोड लगा दिए हैं, 1.5 घंटे से अभी तक अपलोड ही हो रही है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, कभी कभार लेट हो जाता है ना। हम पहुंच गए। हाँ। कहाँ पहुंच गए? गोरखपुर। किसके पास जाना है? पता नहीं। युवराज के पास। युवराज के पास। तो दोस्तों फाइनली हम लोग गोरखपुर पहुंच चुके हैं, अब 5 मिनट के बाद गोरखपुर जैसे आ जाएंगे। तो और यहाँ पे देखिए मोहतरमा जी को उठते उठते ही लिपस्टिक नहीं छूटनी चाहिए, लिपस्टिक लगा रही है। हो गया ना? हाँ तब उतरे। ट्रेन को बोले कि रोक दीजिए, बीमू का हो गया। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं गोरखपुर। आप जा रहे हैं हम लोग खलीलाबाद, यहाँ से हम लोग खलीलाबाद जाएंगे। चलो आ गए हैं, अब दूसरा टिकट कटाना पड़ेगा, चलिए चलिए जल्दी। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं खलीलाबाद, और यही अब हमको उतरना है। सुहाना अंदर 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 उस रास्ते से उतरना है बाबू। चलो चलो सुहाना, क्या है? पास में मत जाओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर। मेरे को रिस्की नहीं चाहिए बाबू। हाँ साइड से चलो। तो हम लोग पहुँच चुके हैं खलीलाबाद ट्रेन स्टेशन, और हम विष्णु भैया कॉल किए थे, वो थोड़ा बीमार है तो हमको बोले हैं, वो लोकेशन बताए हैं अपने गाँव का, तो हम वहाँ का ऑटो पकड़ लेते हैं और जाते हैं, फिर आप सबसे वहीं पर मिलते हैं। सुहाना बेटा चलो बेटा, इसमें देख लिया, अब चलो चलो हो गया चलो। हम लोग पहुंच चुके हैं इस शहर का नाम है, क्या नाम है, नाथनगर। नाथनगर पहुंच चुके हैं हम लोग, और देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं
उस दुकान में बीमू जी है और सुहाना है, दोनों है, पता नहीं क्या खरीद रहे हैं। हमको भी बुला रहे हैं तो हम चलते हैं वहीं पे। विष्णु भैया के लिए मिठाई ले रहे हैं, खाली हाथ जाना नहीं होता है ना, तो मिठाई ले रहे हैं। अभी खा रही हो? क्यों? अच्छा, टेस्ट करके विष्णु भैया के लिए इतना प्यार। अच्छा नहीं होगा तो नहीं लेंगे। अच्छा है सुहाना? अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह, आपको तो मीठा ज्यादा ही पसंद आएगा। ये फाइनली हम लोग मिल चुके हैं, विष्णु भैया है अंदर में। तो विष्णु भैया प्रणाम। नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। और यहाँ पे है मालती भाभी जी। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग पहली बार विष्णु भैया के कार में बैठे हुए हैं, चल रहे हैं। तो अब चलते हैं घर जाके मिलते हैं आप सबसे। सुहाना चले? हाँ। आप चलाओगे कार? नहीं। चले। मालती भाभी के घर हम आखिर पहुंच ही गए। अच्छा बता दिए राज। हम आपको दीदी बोले आप सभी का स्वागत है। हमारे मतलब क्या बताया, विष्णु भैया सबसे पहले हम दूसरे वाले चैनल पे थे ना, तो किसी ने सपोर्ट किया था तो कोई नहीं विष्णु भैया। अरे कोई बात नहीं भाई, नहीं देखिए सपोर्ट करने से कुछ नहीं होता। आप लोग यहाँ आ गए ना, खुशी हमें हुई कि चलिए आप लोगों ने मेहनत करना स्टार्ट किया और आपने एक लेवल पाया। जी जी देखिए, क्रेडिट भी नहीं ले रहे, बोले कि आप मेहनत किया। मिठाई लेके और वो कहाँ है? सुहाना के पापा और विष्णु भैया लोग वहाँ पे गए हैं बाहर घूमने के लिए। और यहाँ पे युवराज ना, युवराज को लग नहीं रहा कि मैं नहीं हूँ, युवराज को लग रहा है कि हाँ पहचानता है हमको पहले से। और यहाँ पे देखिए सुहाना क्या कर रही है। सुहाना ना युवराज के खिलौने के साथ खेल रही है। सुहाना क्या कर रही हो आप? युवराज के खिलौने के साथ खेल रही हो? युवराज किस चीज से खेलेगा फिर? कहीं कहीं पे सुहाना को गुड़िया मिल जाए बस खेलने लगेंगे। कोई हाँ खेलने के लिए बनाए हैं। युवराज भी देख रहा है यहाँ से ना, देख रहे हो? सुहाना युवराज बुआ को दे रही है खेलने के लिए, बोल रहे तुम भी खेलो। और ये भी खेल रहा है एकदम। हाँ हाय बोलो बेटा, हाय बोलो। हाँ हाँ बुढ़िया को मार रहे थे, अरे बेबी है ना। हाँ 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 मार मार के खिलाते हैं। दोस्तों अभी देख सकते हैं यहाँ पे विष्णु भैया, मालती भाभी और बीमू और युवराज और पीछे सुहाना। आप पीछे सुहाना? सुहाना किसी से बिजी है? जब पहली बार हम लोग खेलने में जब अच्छा, से आई है। जब पहली बार हम लोग बात किए थे तो पिल्ली भर की थी, छोटा सा थी। हाँ अभी इतना बड़ी हो गई है बेटा, इसको ना खेलना चाहिए बेटा। और तब ना युवराज कुछ भी नहीं था, मतलब शादी हुआ था ना आप लोगों उस वक्त, युवराज नहीं हुआ था सुबह। जब हम लोगों से बात हुआ था तो हमारा बच्चा नहीं हुआ था ना, तब शादी खाली हुआ था, पेट में भी नहीं था। मतलब बहुत पहले से हम लोग टच में है, बातें बातें की है शुरुआती में, जो हमारे दो तीन लाख वीडियो में पहले इसको देखिए ना, देखिए कैमरा किस तरह सुन रहा है। मतलब देखिए जिनको हम वीडियो में देखते हैं रोज सुनते हैं उनसे मिलते हैं तो कितना खुशी होता है। और ये टूटू साहब बाबू को भी मिले हैं, तो बाबू के लिए हम कुछ लाए हैं कपड़े, तो वो हम पहना के ट्राई करके देखते हैं कि कैसा होता है बाबू। अरे वाह, ये लगता है गुजरात जाने के लिए लेके आए हैं। तो हम बाबू को पहना के और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों हम कपड़े बोल रहे हैं, बाबू को गर्मी होगा कल पहनाते हैं अगली वीडियो में, हम पहना कर ले जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। युवराज के ऊपर देखिए ऐसे ही अच्छा लगेगा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कहा था कि ससुरी बताओ पहनी है कपड़ा, पहने हम लोग फिर पहना रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जो है हमारा आज का ब्लॉग काफी लंबा हो रहा है, तो आज का इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड रखते हैं, एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।